अस्सलाम वालेकुम गाइस, कल जैसे हमने आपको बताया था कि हम जो है ट्यूबवेल पे जाएंगे, तो आज जो है हम संडे का दिन है, आज जो है हम जा रहे हैं ट्यूबवेल। जो है बस ट्यूबवेल की तैयारी लगी पड़ी हुई है। ये मेरी छोटी बच्ची, ये बड़ी बच्ची, हम ट्यूबवेल जाने वाले हैं आज, तो मैं वहां पर एंजॉय करूंगी और नाव में गिरेंगे। ये रोए ना ना, बस ये रोएगी ना। अब हम जो है निकलते हैं उधर से, जो है बाबले को भी लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको पूरा व्यू करके दिखाएंगे, जो है पूरी वीडियो बना के दिखाएंगे आप हमको। हम आपको जो है फिर इंशाल्लाह चलते हैं। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो है हम ईदगाह पे खड़े हुए हैं, कोठरी ईदगाह पे। ये बस सीधा ही जो है रास्ता आप देख रहे हैं, सीधा रास्ता जो है ट्यूबवेल पर जाएगा। आपको हम पूरी वीडियो के बाद इंशाल्लाह जो है हम ट्यूबवेल पे पहुंच के आपसे मुलाकात करते हैं। गाइस हम जो है ट्यूबवेल पे पहुंच गए हैं। ये रास्ता पूरा मैंने आपको दिखाया, यही रास्ता आप देखे आए। फिर जो है इधर से जो है रास्ते से नीचे उतर के सामने ही जो है ट्यूबवेल है। आगे चल के आपको हम मज़ीद जो है ट्यूबवेल दिखाते हैं, तो चलते हैं हम आगे। तो गाइज हम जो है ट्यूबवेल पहुंच चुके हैं, आपको जो है सारा व्यू करके दिखा रहे हैं, वीडियो वगैरह भर के जो है हम दिखा रहे हैं। ये आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो आगे ट्यूबवेल में एंजॉय करने चलें। ट्यूबवेल में नहाओगे या फिर फिलहाल जो है चक्कर लगाएंगे? ट्यूबवेल में चलोगे? चलो ट्यूबवेल में चलो, आ जाओ इस तरफ से, आ जाओ इधर से, आ जाओ पूरे इधर आ जाओ। कुत्ते से डर लगता है, कुत्ते को भगाते हैं, कुत्ता भाग जाओ। आ जाओ आ जाओ, ये स्विमिंग पूल देखें आप। अभी हम इधर एंजॉय करेंगे, नूर फातिमा पानी में अंदर जाएगी। चप्पल उतारो,
बाबूला आ जाओ अंदर घुस जाओ। जम लगाओगे? चलो भाई जम लगाओ। आ जाओ आ जाओ। हाँ चलते हैं आ जाओ। खड़े हो जाओ उधर। ये देखो कितना मजा आ रहा है बच्चों को। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आगे नहीं जाओ। गाइस अभी मेरे को देखिए। बाबले को देखें। बाबला जो है बहुत एंजॉय कर रहा है। नूर फातिमा देखो नहीं ऐसे नहीं करो। मोबाइल पे पानी आ रहा है। बैठ जाओ तो बैठ जाओ ख्याल से। मैं भी अभी आ रहा हूँ पानी में। हट जाओ मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी आ गया पानी में भाई। बड़ा पानी है। नीचे नहीं जाओ। नीचे नहीं जाओ। नीचे पानी बहुत बड़ा है। डर रही है पानी में अंदर घुसने से डर रही है। फिर वो पानी उसको मजा आ गया है। बड़ा मजा आ गया है। ये देखें ज्यादा दूर नहीं जाओ। ज्यादा दूर जो है पानी बड़ा है बीच में। ज्यादा नहीं जाओ। आ जाओ सीढ़ियों पे आके बैठ जाओ आराम से। सीढ़ियों पे आके आराम से बैठ जाओ। सीढ़ियों पे जो एंजॉय करो। नीचे ज्यादा नहीं जाओ। बहुत जो है पानी है। नहीं करो पानी लगेगा। पानी लग रहा है। इधर ही बैठे रहो। सामने से सूरज की वजह से जो है शेर ज्यादा आ रहा है। बाबले का देखो कितना बड़ा है। एंजॉय कर रहा है बाबला। देखो एंजॉय कर रहा है। फुल मस्ती में लगा पड़ा है बाबला। बैठ जाओ नीचे। बैठ जाओ घुस जाओ कि नीचे। और बाबला थोड़ा इनके पास खड़े हो आप। तो मैं थोड़ा आगे चल के देखूं पानी कितना बड़ा है। इनको देखो ख्याल करो मुझसे। नहीं डुबकी नहीं लगाओ। पानी जो है नाक में चला जाएगा। मुंह में पानी। हाँ मुंह में और नाक में पानी चला जाएगा। और जो है
ज़्यादा मछली नहीं करो भाई। ये भाई हम भी पानी में अंदर जो है आ गए हैं, आप देख सकते हो बड़ा मज़ा आ रहा है, पानी काफ़ी जो है बड़ा है, ज़्यादा बड़ा पानी है, काफ़ी पानी बड़ा है, कमर तक जो है पानी आ रहा है। जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, आगे जैसे हम चलते जा रहे हैं तो पानी बड़ा होता जा रहा है। यार देखो सब एंजॉय कर रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है और ये मेरा मामू भी है और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। हम पहले भी आए थे और मेरी बहन देखो डरती है, ये देखो कितना डरी थी पहले, पहले ना ये डरी थी, अब नहीं डर रही है, अब एंजॉय कर रही है। हम जो है पहले उस तरफ पूल में थे, अब जो है दूसरी साइड जो है पूल पे हम आए हैं, तो आके हम आपको दिखाएंगे। गाइस अब हम जो है रियाज शोरों से बात करेंगे, ये कैफे वगैरह बनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, ये कैफ़े कब तक बन जाएगा? तकरीबन बन जाएगा एक महीने के अंदर बन जाएगा, काम चल रहा था लेकिन बारिशों की वजह से फिर ये सैलाब का पानी आ गया है, इस हिसाब से थोड़ा रोक दिया है, लेकिन इंशाल्लाह एक महीने के अंदर फिर काम स्टार्ट करेंगे तो बन जाएगा। अच्छा तो कैफ़े में आप क्या क्या रखेंगे? हाँ कैफ़े में इधर इंशाल्लाह थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप भी होगा, इसमें ब्रोस्ट वगैरह या फिंगर चिप्स हैं या फिर जैसे थोड़ी फिश वगैरह ये चीज़ें भी रखेंगे, कॉफ़ी होगी जो मेन पर्पज़ है वो कॉफ़ी का और चाय का होगा, इधर आग का भी सिस्टम होगा जैसे गाँव में मच कचहरी वगैरह होती है वो सिस्टम होगा इंशाल्लाह। सर्दी का हमारा सिस्टम इधर जो है गैस बेहतरीन होगा। हाँ सर्दी का होगा, पर ये कि थोड़ा इसको सेपरेट भी करेंगे और कोनों कोनों पे आग का सिस्टम रखेंगे कि जैसे थोड़ा विलेज टाइप, वैसे ही है विलेज तो अच्छा लगेगा, मच कचहरी वगैरह जैसे होती है तो उसमें थोड़ा ईजी हो जाएगा लोगों के आने के लिए, इंजॉय करेंगे। अदरवाइज़ लोग वैसे ही जाते हैं गाँव के देहात में तो मच कचहरी वगैरह करते हैं, तो इधर हर चीज़ उनको वैसे ही अवेलेबल मिलेगी इंशाल्लाह। तो गैस आपने देखा कि रियाज शोरों से हम ने मुलाकात की, उनने जो है बताया कैफ़े जो है इधर खोल रहे हैं,
अभी तक काम चल रहा था तो बीच में बरसातें वगैरह हो गई थी और सैलाब भी आ रहा है तो उसकी वजह से काम रुक गया है, मगर इंशाल्लाह जैसे ही माहौल सही हुआ तो रियाज भाई जो है इधर कैफे की तैयारी करेगा सर्दी में, इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा तो फिर आप दादा जो है इंजॉय करेंगे, आप भी आएँ। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है, अब जो है हम घर के लिए निकल रहे हैं। बच्चों ने जो है बहुत इंजॉय किया है, बहुत बच्चे भी जो है थक गए हैं, अब जो है हम जाएंगे अपने घर। अब नूर फातिमा जो है आपसे कुछ कहना चाहती है। गाइस इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन भी दबा दें। बाय गाइस। गाइस तो फिर हम इंशाल्लाह जो है कल जो है दूसरे व्लॉग में मुलाकात करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कमेंट करके हमको बताना। बाय।